सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल में, हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में है। जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, फोटोशॉप के जो सीरीज हमारे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, साथ ही साथ में एक हफ्ते से आपको टेक्निकल वीडियोज भी देता रहूंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाता रहूंगा। साथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माउस पॉइंटर के बारे में। क्या होता है कि बहुत सारे कमेंट्स वगैरह डालकर हम कई बार पूछते रहते हैं, कई बार मेरे पास भी बहुत से कमेंट आए हैं जिनमें पूछा गया कि हमारे जो माउस की या टच पैड की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे वर्क करता है, अच्छे से चल नहीं पाता, या फिर जो हमारा माउस पॉइंटर वो अलग दिखने लग गया है, जैसा था वैसा नहीं है। ये सेटिंग कई बार बच्चे हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है छेड़ देते हैं, उनके बाद ये खराब हो जाती है, अच्छे से आपका माउस वर्क नहीं कर पाता है, या फिर आपका कर्सर सही से नहीं कार्य करता है, या फिर माउस की स्पीड जो है बहुत धीरे चल रही है, माउस फास्ट नहीं हो पा रहा है और आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो माउस नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊँगा इसी के बारे में कि आप माउस पॉइंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपका माउस यदि कहीं पर माउस पॉइंटर कहीं पर खो भी जाता है, ये समझ लीजिए आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, कई बार हैंगिंग इश्यू में सब हो जाता है, तो आप कैसे देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक छोटा सा नन्हा सा प्रेस बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, पहली बात तो कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेहतर से बेहतर वीडियो इस पर लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं। सबसे पहले इसको सीखने के लिए आप सिंपली कंट्रोल पैनल पर जाइए। कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए आप सर्च बार से या स्टार्ट बार से आप कंट्रोल पैनल सर्च कर लीजिए। सिंपली कंट्रोल पैनल मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल पैनल आपके सामने आ गया। सिंपली इसको ओपन कर लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है कैटेगरी, इस कैटेगरी पर आप क्लिक कीजिए और सिंपली आपको जो ये दिख रहा है स्मॉल आइकन, इस पर क्लिक कर दीजिए। स्मॉल आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक मेन्यू ओपन हो जाएगी, जिसमें सारे आपके जो सिस्टम सेटिंग्स हैं उनके बारे में आ जाएगा। मैं विंडोज 10 को बेस लेकर चल रहा हूँ, लेकिन सेम ही वर्क, सेम तरीके से आप विंडोज 8.1, 8.7, विस्टा या फिर एक्सपी में कर सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता इनमें। सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हैं माउस, इस पर क्लिक कर दीजिए। माउस के बाद में जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने पहला जो ऑप्शन आता है वो बटन्स का आता है। इस बटन्स को आप देखेंगे तो राइट बटन और लेफ्ट बटन, इसका मतलब ये होता है कि आप राइट बटन को जो है लेफ्ट वर्क कराएंगे और लेफ्ट बटन को जो राइट वर्क कराएंगे। उसके बाद आता है डबल क्लिक स्पीड। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो बहुत ही धीरे वर्क करता है, तो यहाँ से आप इस स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, और इस यहाँ पर जैसे फास्ट करेंगे आपका जो क्लिक है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। दूसरी जो होता है पॉइंटर, यहाँ से आप माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से देखिए आप रूल वगैरह का, जो पेन वगैरह का जैसा भी चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए आपको। ये देखिए, इस तरह का जो ये आपका पॉइंटर है इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो है आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंटर इस तरह का भी आप कर सकते हैं, कई बार आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह के बहुत से आइकन देखिए आपके सामने आ जाएंगे। आप चाहे जो कर्सर चाहे वो ले सकते हैं, यदि कई कई बार हो जाता है जो हम सिंपल कर्सर यूज करते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एरो के साइंस सिंपली कई बार ये रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके सामने अलग से दिखने लग जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी कर्सर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये सिंपली रहने वाला हूँ, या आप नॉर्मल ही रखिएगा, और चेंज करना चाहिए तो आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पॉइंटर ऑप्शन, यहाँ से आप अपने पॉइंटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। जो आप ये हलचल जो मूविंग करवा रहे हैं या फिर कहीं पर लेकर जा रहे हैं माउस पॉइंटर को, तो उसको ये बहुत ही फास्ट कर देगा। सिंपली यहाँ से क्लिक करके ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है मेरा, जो कि पहले स्लो था, ये देखिए। और दूसरा ये जो आ रहा है, देखिए आप यहाँ से रीड करके देख लीजिए, ऑटोमेटिकल मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। तो ये जो आप कहीं पर भी इसको मूव करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा डायलॉग बॉक्स के बटन के बारे में। दूसरा ये जो आता है वो विजिबिलिटी, जो डिस्प्ले पॉइंटर, यानी जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो साथ 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 अपने सारे ऐसे बहुत सारे कर्सर लेके चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो, ये अमेजिंग टूल है, बहुत ही मजेदार टूल है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आप करके देखिएगा वो। इससे क्या होता है कि बच्चे यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम या चला रहे हैं
तो वो दूर भागते हैं, तो उनको ऐसी चीजें देखकर इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी ऐसी चीजें देखकर इंटरेस्ट बढ़ेगा कंप्यूटर चलाने के प्रति, तो ये उसके लिए है। जो दूसरा क्लिक आ जाता है वो आ जाता है हाइड पॉइंट टाइपिंग। यदि आपको पॉइंट टाइपिंग करता है जैसे ही ऑटोमेटिकली पॉइंट हाइड हो जाएगा। देखिए मैं इसको अभी रिसाइज कर दूँ, तो आप कहीं पर टाइपिंग करते हैं तो आपको पॉइंटर वो हाइड हो जाएगा। दूसरा है श्योर लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। तो इसका मतलब ये हो गया जब भी आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देखिए अब आपको पता नहीं पॉइंटर कहाँ पर है माउस पॉइंटर, तो आप जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करेंगे वैसे ही वो बता देगा कि वो कहाँ पर है। जैसे मैं करके बता देता हूँ, ये देखिए शो हो रहा है मेरे स्क्रीन के जो राइट कॉर्नर है वहां पर, देखिए ये दे रखिए यहाँ पर है, जहां पर भी होगा वहां पर शो करने लगेगा। ये देखिए कंट्रोल जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरह से दिखाई देगा ये। उसके बाद में जो व्हेल, ये जो है आप इनकी सेटिंग्स को रहने दें, ये भी अच्छे होते हैं कि आप स्क्रॉल के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन आप इसे ना छेड़ें वो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से था कि आप इसको आसानी से स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक बार के लिए मैं ये हटा देता हूँ जो मैंने अभी सेटिंग्स की थी, ये देखिए ये सेटिंग्स में इसमें से हटा रहा हूँ। हाँ यहाँ से आप स्लो फास्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग यानी बहुत ही लंबा वे चाहिए या फिर बहुत ही कम वे चाहिए उसके लिए आप यहाँ से पॉइंटर की स्पीड बढ़ा सकते हो। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बटन्स लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट कर सकते हैं। यदि आप ये वर्क होता है जब हम लेफ्ट हैंडर होते हैं या राइट हैंडर जो भी होते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है कि उनका हाथ नहीं बैठता है तो वो अच्छे से दबा पाए, इसीलिए ये यहाँ से चेंज हो सकता है, कुछ नहीं करना। अब जैसे ही आप देखिए मैं क्लिक करता हूँ किसी भी बटन पर, तो ये इससे ओपन, सॉरी इससे ओपन हो रहा है, तो ये जिस बटन से ऑप्शन मारेगा वहां से ऑप्शन नहीं मारा है। देखिए मैं जैसे ऑप्शन बटन को क्लिक करता हूँ ये ओके हो जाता है, क्योंकि मैंने इसका लेफ्ट राइट चेंज कर दिया है, और राइट को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ऑप्शन देने लग जाते हैं, ये सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है यहाँ से। तो आप इसे हटा सकते हैं, ये भी बहुत अमेजिंग टूल है, आप चाहे तो यहाँ से इसको फास्ट रखें ताकि आप क्लिक करें बहुत ही आसानी से ओपन हो जाए, और दूसरी चीज इसको अप्लाई कर दीजिए। तीसरी चीज क्या होता है कि जब भी हम ओपन करते हैं कई बार फाइल्स डबल क्लिक करके, तो बहुत ही टाइम लेता है, आपको डबल क्लिक करना पसंद नहीं है, तो आप सिंपली आप कुछ नहीं करना, आप उसको भी जो है चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में जाएं, जैसे आप इस पर ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर लिखा हो डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, तो आप इसको सिंगल क्लिक में कर दीजिए। जैसे आप इसको सिंगल क्लिक पर करेंगे, आप एक बार क्लिक करने पर ही आपकी जो फाइल है वो ओपन आ जाएगी, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से देखिए मैंने सिंगल क्लिक किया और यह ओपन हो गई, इस तरह से सिंगल क्लिक में जो है ओपन हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देने वाला हूँ ऐसे। तो ये थे आपको कुछ माउस पॉइंटर से संबंधित कुछ सेटिंग्स, जिसको करने के बाद आपका माउस पॉइंटर बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, बहुत ही आसानी से आप इसे सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, करके देखिए बहुत ही अमेजिंग टूल है। देखिए मेरा माउस भी जो है माउस स्पीड बहुत ही अच्छी हो चुकी है, बहुत ही फास्ट हो चुकी है, यदि आपका स्लो वर्क करने लगा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो फोटोशॉप सीरीज चल रही है उसको भी देखते रहिए, और ग्राफिक्स डिजाइनर और फोटो डिजाइनर बनते रहिए, और एक मास्टर बन जाइए फोटोशॉप में, एक स्टूडियो से भी बेहतर नॉलेज मैं आपको दूंगा, और एक कोरल ड्रॉ उसके भी नॉलेज मैं आपको जल्दी ही दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी सीरीज को ध्यान से चैप्टर वाइज चैप्टर देखते रहे ताकि आप अच्छे से सीख जाए, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि फोटोशॉप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यदि एक भी लेसन आपने छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ खो दिया, आप आगे नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपने ले लिया। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।